वर्तमान समय में मनोरंजन के कई साधन हैं, लेकिन 60 और 70 के दशक में तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई थी, लेकिन उस समय VCR एक ऐसा साधन था जो कि मनोरंजन के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। VCR ने आम लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर जानते हैं VCR के शानदार इतिहास को। साल 1956 में VCR की तकनीक खोजी गई थी। VCR एक ऐसा मनोरंजन का साधन था जिसकी मदद से लोग आसानी से फिल्में और रिकॉर्ड करी हुई कैसेट्स के वीडियो देख सकते थे। जब VCR पहली बार बाजार में पहुंचे तो वे दशकों में अधिक रोमांचक आविष्कारों में से एक थे। उन्होंने उपभोक्ताओं को एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम दिया जहां वे अपनी पसंदीदा फिल्म और शो देख सकते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ VCR की प्रसिद्धि में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण मार्केट में आए DVD और CD प्लेयर्स को माना गया है। VCR मशीनों का उपयोग आमतौर पर व्यवसायों, चिकित्सा अधिकारियों, एयरलाइंस और शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था। साल 1965 में सोनी ने अपनी रील टू रियल तकनीक को अपनाया और CV2000 बनाया। यह मॉडल एक सस्ता वीडियो कैसेट रिकॉर्डर था जिसे विशेष रूप से घरेलू उपयोग के लिए खरीदा गया था। हालांकि शुरुआती दौर में VCR की कीमत लगभग $1000 थी, जो कि आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थी। यह बाद में देखने के लिए पारिवारिक कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करने में भी सक्षम था। यह एक लोकप्रिय विशेषता थी जिसके कारण कई उपभोक्ता उच्च कीमत के बावजूद इसे खरीदने के लिए तैयार थे। बाद के वर्षों में सोनी ने अपनी तकनीक पर काम करना जारी रखा और आखिरकार साल 1970 में सोनी यूमेटिक का निर्माण किया गया। यह पहला व्यावसायिक रूप से विपणन किया गया प्रारूप था जिसका उपयोग उपभोक्ताओं के लिए किया गया था। यह 90 मिनट के फुटेज को रिकॉर्ड करने में सक्षम था। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सी कंपनियों ने VCR बनाया, जिनमें फिलिप्स सबसे प्रमुख कंपनी के रूप में उभरी। फिलिप्स ने इसका पेटेंट कराया और पहला घरेलू VCR जारी किया, जिनमें एक चौकोर कैसेट का उपयोग किया जाता था। इनमें लगी रीलों पर टेप 60 मिनट की फुटेज रखने में सक्षम थी। साल 1975 में VCR पर डिजिटल टाइमर मानक बन गया, क्योंकि टेप अवधि अधिक लंबी हो रही थी। उत्पादों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा और औसत उपभोक्ताओं को विपणन दिया जाने लगा। इसका मतलब यह था कि कीमत और अधिक सस्ती हो रही थी। जापानी और यूरोपीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां बाजार में अधिक हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी, इसलिए वे सस्ती कीमतों में बेहतर उत्पाद तैयार कर रही थी। 1980 के दशक में VCR में कुछ बदलाव करके इसे उपयोग करने के लिए आसान और सरल बनाया गया। दोस्तों, 70 और 80 के दशक में VCR आम लोगों के लिए सिनेमा घर में रखे किसी प्रोजेक्टर से कम नहीं था। विशेषकर गांव में आम लोगों के बीच में यह काफी प्रसिद्ध था। जब भी पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होता तो VCR के जरिए मनोरंजन किया जाता। दोस्तों, VCR ने आम लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। दोस्तों, अगर आपने भी VCR पर कोई फिल्म या कोई कैसेट्स देखी है तो VCR से जुड़े अपने अनुभव को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।